राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय समन्वय बैठक 2022 में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। पूर्व निर्धारित हमारी प्रेस वार्ता प्रारंभ होने वाली है। हमारे बीच में है डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य, आप संघ के प्रचारक हैं बाल्यकाल से ही, और इस समय संघ का जो आपकी ओर दायित्व है वह माननीय सह सर कार्यवाह, आपका केंद्र भोपाल है। उनके दाहिनी ओर माननीय सुनील जी आंबेकर, आप भी संघ के प्रचारक हैं और संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, ऐसा आपकी ओर दायित्व है। हमारे बीच में दो केंद्रीय अधिकारी और हैं, श्री नरेंद्र कुमार जी, आप भी संघ के प्रचारक हैं, संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख का दायित्व है। आपका केंद्र दिल्ली है। उनके बाजू में श्री आलोक कुमार जी, आप भी संघ के प्रचारक हैं, संघ का अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख का आपकी ओर दायित्व है। आपका केंद्र रांची है। इस अखिल भारतीय समन्वय बैठक में मैं डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि हम सबके बीच में संवाद प्रारंभ करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। काफ़ी उत्सुकता होगी आपके मन में, क्या कर रहे बंद कमरे में वगैरह, ऐसा कुछ होता होगा। कमरा बंद इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एसी चलता रहता है, बाकी कुछ नहीं। संघ के स्वयंसेवक एक राष्ट्रीय विचार को लेकर समाज जीवन के विविध क्षेत्र में काम करते हैं। ऐसे 36 संगठन धीरे धीरे हुए हैं जो अखिल भारत स्तर पर काम करते हैं। इनके क्षेत्र अलग हैं, छात्र क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सहकारिता में, वैज्ञानिकों में, कलाकारों में, सहकार, ऐसे अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और समाज के अनेक नए लोगों से इनका संपर्क होता है, मिलना होता है। तो एक बार मिलकर अपने अपने अनुभव ऑब्जर्वेशंस को साझा करने के लिए मुख्यतः यह बैठक होती है। ये कोई निर्णय करने वाली बैठक नहीं होती है, क्योंकि सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, ऐसा संघ का पहले से ही मान्यता है। इनकी निर्णय प्रक्रिया के फोरम अलग अलग होते हैं, कुछ विचार की दिशा लेकर अवश्य जाते यहाँ से, लेकिन सारे निर्णय अपने अपने संगठन के फोरम पर इनके होते हैं। यहाँ कोई निर्णय करने वाला विषय नहीं था। अभी स्वाधीनता के 75 वर्ष का उत्सव चल रहा है, इसको लेकर अनेक संगठनों ने काम भी किए और आगे कार्यक्रम होंगे। उन संगठनों ने क्या क्या किया वो कहने का तो उनको अधिकार है, लेकिन सैंपल करने दो चार संगठनों का उल्लेख करूंगा मैं। जैसे शैक्षिक महासंघ ने 2,00,000 विद्यालयों में देशभर में एक साथ कार्यक्रम किया। विद्यार्थी परिषद ने करीब 87,000 स्थानों पर तिरंगा ध्वज लहराया। संस्कार भारती जो कलाकारों के बीच में काम करती है, तो वंदे मातरम गौरवगान 15 अगस्त 1947 को जो ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गान किया था, ऐसा वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम का गान करके उनका पुण्य स्मरण किया गया। अनेक स्थानों पर ऐसे अपरिचित सेनानियों के प्रसंगों पर आधारित 75 नाटकों की श्रृंखला भी की गई।
कुल मिलाकर ध्यान में ऐसा आया, सारे लोगों के ध्यान में आया कि करीब 100 वर्ष तक जो चला स्वाधीनता का संग्राम, इसमें भारत का कोई प्रदेश, कोई जाति, कोई जनजाति, कोई वर्ग बाकी नहीं रहा जिसका इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं था। केवल कुछ लोगों के नामों की चर्चा अधिक होती है। पहली बार सारे देश ने अनुभव किया कि सबका सहभाग था। अनेक लोगों के को पता नहीं था हमारे गांव से ऐसा कुछ हुआ है, तो बहुत गौरव का अनुभव सब लोगों ने किया है। लेकिन स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वदेशी, स्वावलंबन में एक शब्द कॉमन है, वो भारत का स्व है। ये स्व को समझना आवश्यक है। यह भारत का स्वत्व है, यही सारे भारत को आपस में जोड़ता है। हमारी अनेक भाषा लोग बोलते, अनेक जातियों के नाम से जाने जाते, अनेक उपासना लोग का पालन करते हैं, परंतु सबको एक साथ जोड़ने वाला जो जो भारत का स्व है, यह स्व कैसे प्रकट होगा, उस पर भी चर्चा यहाँ पर हुई। तो भारत की क्या विशेषता है? तो भारत के स्व का आधार भारत की आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। भारत का जीवन का दृष्टिकोण अध्यात्म आधारित है, इसलिए वो होलिस्टिक इंटीग्रल है। इसलिए संपूर्ण क्रिएशन को वो जुड़ा हुआ मानता है। इस अध्यात्म आधारित जीवन दृष्टिकोण ने भारत के पर्सनैलिटी, मतलब लोगों की पर्सनैलिटी को शेप किया है। उसका एक पहलू है ईश्वर एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं। सभी मार्ग समान है, स्वीकार्य है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल, ये भारत का विचार रहा है। कल ही 11 सितंबर हुआ, स्वामी विवेकानंद का 1893 का शिकागो स्पीच में उन्होंने इसी बात को अधोरेखित किया था। टॉलरेंस से भी आगे बढ़कर भारत का विचार एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल है। दूसरे भारत का स्व का पहलू है कि एक ही तत्व अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, तो विविध अभिव्यक्तियों के भीतर रही एकता को देखने की भारत की दृष्टि है। इसलिए भारत का वर्णन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा कहने के बदले इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी ज़्यादा अच्छा है। तीसरा भारत ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। स्त्री पुरुष दोनों में यह दिव्यत्व, डिविनिटी समान रूप से विद्यमान है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड हेंस द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके अनेक मार्ग है, चार मेजर मार्ग है। डू इट आइदर बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन, यानी कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। लेकिन भारत का विचार कभी भी एक्सक्लूसिव नहीं रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनके 11 सितंबर के भाषण में कहा था, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देर इज नो वर्ड फॉर एक्सक्लूजन, क्योंकि हमारे विचार ही ऑल इंक्लूसिव है। इसलिए चारों में से कोई भी एक लो तो भी चलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एनी ऑफ दिस फोर और टू और मोर और ऑल एंड बी फ्री। यानी मेरे अंदर के देवत्व को प्रकट करने का मेरा जो मार्ग है, इट कैन बी ए वेरिड कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस फोर मेजर वे। मेरा अगर 50% कर्मयोग, 30% भक्ति योग, बाकी दो 10-10% होगा, तो मेरी बहन का अलग हो सकता है, शी मे बी मोर इन भक्ति योग लेस इन कर्मयोग। मेरे भाई का अलग हो सकता है, वो शायद ज्ञान योग में ज़्यादा ध्यान देगा, भक्ति पूजा कम करेगा। ये मेरी प्रत्येक की अलग अलग उपासना है। इस उपासनाओं को हमारे रिलीजन कहा है, धर्म एकदम अलग है।
तो यहाँ पर प्रत्येक को अपनी अपनी उपासना चुनने का स्वातंत्र रहा है, इसलिए हमारे यहाँ पहले से स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है। इसलिए एक परिवार में कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है, कोई गुरुवार का करता है, कोई शनिवार करता है, कोई नहीं भी करता है, इट्स ऑल अलाउड। ये विविध मार्गों को सबको साथ लेके चलना, ये मिलाकर जो भारत की पर्सनैलिटी बनी है, तो भारत में रहने वाला सारा समाज, सभी जाति जनजाति भाषा बोलने वाला सब समाज इसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, हाँ ये हमारी पहचान हमारी बात है। दूसरा भारत का स्व है वो यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा स्वदेशी समाज नाम के अपने पुस्तक में कि वेलफेयर स्टेट ये भारत की परंपरा नहीं रही है, केवल डिफेंस जुडिशियरी फॉरेन अफेयर्स तीन विभाग केवल राजा के राज्य के पास होते थे, बाकी स्वास्थ्य शिक्षा मंदिर देवालय व्यापार मेला यात्रा संगीत कला ये सारे समाज की अपनी व्यवस्थाएं थी। एक खंभे पर खड़ा तंबू है तो तंबू धराशायी होता है खंभा टूटने पर, परंतु चार पांच खंभों पर खड़ा तंबू है, एक खंभा टूटता है तो तंबू का आकार बदलेगा परंतु वो धराशायी नहीं होगा, फिर से उसको अंदर से खड़ा करने की सुविधा रहेगी, ऐसी हमारी यह व्यवस्था थी। इसलिए अनेक आक्रमण हुए, राजा पराजित हुए, राज्य परिकों का कुछ साल तक रहा, फिर से हम स्वाधीन हुए, परंतु समाज राष्ट्र के नाते अलग अस्तित्व हमारे यहाँ है। ये भारत का राष्ट्र पश्चिम के नेशन से अलग है, ये राष्ट्र का स्वतंत्र अस्तित्व का ताज़ा उदाहरण हम सब ने अनुभव किया है। ये कोरोना पैंडेमिक में दुनिया भर में पैंडेमिक था, भारत के सिवाय सभी देशों में इट वॉज ओनली द स्टेट मशीनरी एम्प्लॉयज दे आर वर्किंग टू सर्व एंड सेव पीपल। भारत एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कर्मी सफाई कर्मी सुरक्षा कर्मी ने खूब काम किया है, जी जान से काम किया है, परंतु समाज का बहुत बड़ा वर्ग भी अपने घर से बाहर निकला है समाज की सहायता करने के लिए, और भूकंप या बाढ़ के बाद जाकर सेवा करना अलग बात है, इन्फेक्शस डिसीज़ है, मुझे जान को खतरा हो सकता है यह जानते हुए भी लाखों लोग बाहर निकले हैं, युवक निकले युवतियां निकली है महिला निकली है, ऐसा भारत के बाहर कहीं नहीं हुआ। ये भारत का स्वतंत्र राष्ट्र का एक अलग अस्तित्व है राज्य के अलावा। और तीसरी एक विशेषता भारत की रही कि भारत ने भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को साथ साथ साधने को ही जीवन कहा है, किसी एक को नहीं, ये तीनों मिलाकर जो भारत का स्व है, ये भारत का स्व कैसे प्रकट होगा इस पर भी थोड़ी चर्चा हुई है। और एक नए भारत का अनुभव लोग कर ये भारत का स्वत्व प्रकट होने का एक अनुभव लोगों को भी आ रहा है, इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी इसी बात को अलग ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि राम जी अयोध्या से जनकपुर गए, वहाँ से रामेश्वरम तक गए, तो भगवान राम की भक्ति हमको उत्तर से दक्षिण भारत में बेल्ट में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो भगवान राम ने उत्तर दक्षिण भारत को बांध के रखा है। भगवान कृष्ण द्वारका से अरुणाचल प्रदेश तक गए थे, रुक्मिणी वहाँ की है, तो कृष्ण भक्ति सारे इस बेल्ट में देखने को ज़्यादा मिलती है, तो कृष्ण ने पूर्व पश्चिम भारत को बांध के रखा है, और शिव सर्वत्र व्याप्त है, तो राम कृष्ण शिव इन तीन देवताओं ने कोई इसको भगवान माने न माने परंतु सारे भारत को जोड़कर रखा है बांध कर रखा है, तो ये भारत का जोड़ने वाला तत्व है उसको अधिक मजबूत करना इस पर मुख्यतः। और पहले से वास्तव में भारत के बारे में ये बात कही गई परंतु इस भारत में स्वत्व को नकारा गया, उसको अनदेखी की गई, और इसलिए फिर भारत का स्वत्व जितनी मात्रा में प्रकट होना चाहिए था उतना
नहीं हुआ वो तो उस होने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी यहाँ पर चर्चा हुई। तो ग्राहक पंचायत के लोगों ने कहा कि उत्पादन में वृद्धि, वितरण में समानता, उपभोग में संयम, तीनों मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रांडेड चीज़ें अच्छी है, ऐसा एक फैशन चल पड़ा, इसलिए स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय कारीगर है, वो बेकार हो रहे हैं। तो ब्रांडेड चीज़ नहीं, हम स्थानीय लोगों को रोज़गार देने वाली चीज़ों को लेने के लिए बढ़ावा देंगे। रीडिजाइनिंग ग्लोबल मार्केट स्ट्रक्चर, इस पर भी स्वदेशी जागरण मंच के लोग काम कर रहे हैं। रोजगार केंद्रित समावेशी आर्थिक मापन, यानी जीडीपी के आधार पर आर्थिक विकास मापने के बदले कि जो माताएं घर को ध्यान दे रही है, वैसे उनको सैलरी नहीं मिलती, उनका काम बहुत महत्व का है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन की नोंद ही नहीं है कहीं, तो ऐसा सारे समाज को संभालने वाले तो नए भारतीय मानक इंडेक्स भी तैयार करने का विचार करना चाहिए। या किसान संघ ने ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना, किसान मजदूर व्यापारी सभी को साथ मिलकर एक फैमिली के नाते कैसे आगे बढ़ते। कृषि शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक है, ध्यान में आता है जितने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स है खेती कोई नहीं करता है, सब जॉब्स करते हैं, जो खेती करते उनको उसकी उसका शिक्षण नहीं होता है, कुछ मूलभूत सुधार तो करना पड़ेगा, इस पर बात चल रहा है। भारतीय विद्यापीठों में हिंदू स्टडीज़ का पाठ्यक्रम तैयार करने पर बात चल रही है, कई विद्यापीठों में स्टडी तो करें अच्छा क्या है हिंदुत्व क्या है। या आरोग्य भारती के लोगों ने एक होलिस्टिक थेरेपी के सब साथ मिलकर, क्योंकि भारत का विचार ही होलिस्टिक है, आइदर दिस और दैट नहीं है, तो यह भी वह भी उसको मिलाकर समन्वय कैसे साधना, इस पर बात चल रहे है। न्यायालय में भारतीय भाषा में कामकाज हो, नहीं तो उसको पता नहीं चलता कि ये वकील लोग जज अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कम से कम उसको पता चले मेरे बारे में क्या चल रहा है, तो जजमेंट भारतीय भाषा में हो। जनजाति का माइग्रेशन रोकने के दृष्टि से क्या पहल हो सकती है, ऐसे बहुत विषय है, मैं केवल संक्षेप बता रहा हूँ। ऐसे तो भारत का भौतिक आर्थिक विकास के साथ साथ भारत का स्वत्व भी साथ चले, इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र क्या क्या करेगा, इस पर यहाँ पर चर्चा हुई है, आगे लोग काम करेंगे। ऐसे एक थोड़ी संक्षेप में जानकारी मैंने दी है, बाकी संघ कार्य तो लगातार बढ़ ही रहा है, बीच में पैंडेमिक भी थोड़ा सा हमारा काम थोड़ा स्लो हुआ था, शाखाएँ बंद हो गई थी, लेकिन जुलाई कि 2019 में जब काम फुलफिले चल रहा था उसके तुलना में अभी हम लोग जुलाई 22 में जो एक हमारी अखिल भारतीय बैठक हुई उसमें शाखाओं में वृद्धि भी हुई है, विस्तार बढ़ा है, और नए लोगों का संघ में जुड़ने की उत्सुकता, ईगरनेस वो बढ़ रही ध्यान में आता है। जिनको सीधे संघ शाखा में जुड़ना है, कहाँ मिलना, किसको संपर्क करना यह नहीं जानते हैं, ऐसे युवक संघ की वेबसाइट पर ज्वाइन आरएसएस के माध्यम से अपने रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो 2017 से 2021 तक 5 वर्षों में एवरी ईयर करीब 125,000 लोगों की रिक्वेस्ट्स वहां पर वेबसाइट पर आई है, और अभी जो 2022 के पहले 8 महीनों में ये रिक्वेस्ट करीब 89,562 करीब 90,000 है, जो लास्ट ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग 8 महीने की करीब 70,000 थी, तो 20,000 की वृद्धि ध्यान में आ रही है। ये एक संघ को जानने की, संघ के साथ काम करने की, सेवा करने के लिए साथ आने की उत्सुकता बढ़ रही है, यह भी ध्यान में आ रही है। तो संक्षेप मैंने जानकारी बताई है, कुछ आपके प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ऐसा है कि भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे, तिरस्कार से या प्रेम से, हमारे कॉमन साझी बात क्या है। तो इस आध्यात्मिकता के भारत की पहचान
इस आध्यात्मिक के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं, जो हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है, बाकी तिरस्कार हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे थोड़े पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन उस भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग अभी इस हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ऐसा है, ऐसा है कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या, हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है, तो संघ के पास एक सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं, और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है, ठीक है, इसलिए इससे भी उनका हेट्रेड ही ध्यान में आता है, तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक भी वो सारा चित्र वगैरह भी, अब संघ का गणवेश बदला ये भी उनके ध्यान में नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसी उनकी स्थिति है, उसके बारे में कोनो कमेंट करना अच्छी बात है, कुछ अच्छे प्रश्न पूछिए सर, सर 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 क्या क्या राष्ट्र मतलब समाज होता है, समाज तो हिंदू है ही यहाँ पर, इसलिए रविन्द्रनाथ टागोर का एक कोट में आपको कहूँगा, स्वदेशी समाज में है, बहुत गहरी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता देखना और विविधता में ऐक्य प्रस्थापित करना, यही भारत के अंतर में पड़ा हुआ धर्म है, तो धर्म रिलीजन नहीं है, इसलिए भारत विविधता को भेद नहीं मानता, पराये को दुश्मन नहीं समझता, इसलिए नए मानव समूह के संघात से हम भयभीत नहीं होंगे, उनकी विशेषताओं को पहचान कर उनको सुरक्षित रखते हुए विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम उनको अपने साथ लेने की विलक्षण क्षमता भारत रखता है, ये टैगोर कह रहे हैं। आगे कहते इसलिए भारत में हिंदू मुसलमान बुद्ध ऐसे परस्पर लड़ते हुए दिखेंगे, पर वे लड़कर मर नहीं जाएंगे, वे एक सामंजस्य स्थापित करेंगे ही, वह सामंजस्य, उनके शब्द बता रहे हैं कोट, वह सामंजस्य अहिंदू नहीं होगा, वह होगा विशेष भाव से हिंदू, यहाँ के समाज तो हिंदू है ही, लेकिन हिंदुत्व को इनके व्यक्तिगत सामाजिक व्यावसायिक जीवन में प्रकट होने के लिए समाज को प्रयत्न करना है, ये राज्य को नहीं करना है कुछ, इसकी घोषणा नहीं करनी है ही, परंतु अपने आचरण में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सभी में एक समान ईश्वर विद्यमान है तो जातिगत भेदभाव क्यों हो रहा है, उसको दूर करना मतलब हिंदू राष्ट्र बनना है, अगर स्त्री पुरुष दोनों में यह दिव्यत्व समान रूप से विद्यमान है तो भेदभाव क्यों होना चाहिए, भेदभाव न करना मतलब हिंदुत्व है, केवल मेरे कमाई की तरफ ध्यान देते हुए लोगों का शोषण करना ये हिंदुत्व नहीं है, मुझे कमाना भी है देना भी है ये करना मतलब हिंदुत्व है, ऐसे हिंदुत्व को अपने पारिवारिक व्यक्तिगत व्यावसायिक सामाजिक जीवन में मैनिफेस्ट करना मतलब राष्ट्र का हिंदू होना है, वो समाज के हाथ में है, इस दृष्टि में समाज आगे बढ़ रहा है, पहल हो रही है और खूब नए लोग जुड़ रहे हैं। थोड़ा हाथ उठा दीजिए, आपने आपने
बेसिकली माइग्रेशन क्यों हो रहा है, तो वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, तो वहाँ सुविधा हो, वहाँ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा की सुविधा, रोजगार की सुविधा हो, अपने ज़मीन से कोई जल्दी छोड़ना नहीं चाहता है, तो ये सारा करेंगे तो माइग्रेशन नहीं होगा। शहर में आकर वो जिस तरह में रहते हैं अपने अपने गांव में राजा के समान रह सकते हैं, आमदनी कम हो सकती है, खर्चे भी कम हैं, अपने ज़मीन से, त्योहारों से, समाज से जुड़ा रहेगा। इसलिए वास्तव में स्वाधीनता के पश्चात ग्रामाधारित आर्थिक रचना होनी चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी जी का भी कहना था। उनके ग्राम उनके तो हिंदू स्वराज में उन्होंने इसका उल्लेख किया है, परंतु हमने यूरोपियन नकल करते हुए शहर केंद्रित विकास सारा काम शुरू हुआ, इसलिए केवल ट्राइबल नहीं गांव भी खाली हो रहे हैं। तो इसलिए पहले जब भारत खूब समृद्ध था, भारत का विश्व व्यापार में 1700 वर्षों तक हाइएस्ट शेयर था, और भारत कृषि प्रधान देश ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि भारत में कृषि अच्छी थी, लेकिन हम अनाज बेचते नहीं थे, हम गुड्स बेचते थे, तो यहाँ टैनिंग इंडस्ट्री अच्छी थी, तो चमड़े की चीज़ें बनती थी, यहाँ पर मेटलर्जी अच्छी थी, तो स्टील, कॉपर, सोना, चांदी इसकी चीज़ें बनती थी, कपड़ा अच्छा बनता था, स्पाइसेस बनते थे, ये उद्योग गांव-गांव में होते थे, घर में होते थे, तो भारत वास्तव में उद्योग प्रधान देश था पहले में। धीरे धीरे इसलिए फिर से हमको उस दिशा में आगे बढ़ना है, तो वहाँ अगर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की उपलब्धता हो जाएगी, क्यों जाएगा कोई? इसका मतलब देश भर में कहीं नहीं जाना ऐसा नहीं है, लेकिन आज मजबूरन जो जाना पड़ रहा है वह नहीं रहेगा। चलो मुझे लगता है कि प्रश्न लेट्स वेट फॉर दैट अगर निर्णय आने वाला है ना कोर्ट जी, सर 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 एक प्रश्न है सर, एक मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ सर। हिंदू स्टडीज़ की पढ़ाई भारत के बाहर यूएस में और यूके में हो रही है, तो यहाँ भी होनी चाहिए ना। हिंदुत्व के बारे में सही जानकारी क्या है, जो जानना चाहता है उसको वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था। सर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात आपने कही और गौधन की बात कही, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट है उसका दावा है कि वो सब काम कर रही है जो आप लोग चाहते हैं, और आप लोग आमंत्रित भी किया है कौशल्या मंदिर दर्शन करने आने के लिए। सर सवाल ये है, जनसंख्या नियंत्रण को सर दो कह लेकिन आप आगे बढ़ रहे हैं, दो लोग कौन दो पूछेंगे, एक बार फाइनल करो, उसके पीछे वाले बस दो लोग, ठीक है। आपने प्रश्न पूछा नहीं, आपने केवल जानकारी दी है, क्या पूछा आपने, किसको आमंत्रित किया है, कहाँ भेजा आमंत्रण, कहाँ भेजा आमंत्रण, तो आमंत्रण कैसे भेजते हैं, मेरे पास तो नहीं आया भैया। सर सर सवाल सर गौरव मिश्रा न्यूज इंडिया से, सर सवाल ये है, संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं, क्या इन 100 वर्षों के पूर्ण होने पर संघ अपने अनुवांशिक संगठनों में कुछ विस्तार करेगा, बढ़ावा देगा? इसके अलावा दूसरा सवाल, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, संघ का क्या एजेंडा है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, केंद्र में सरकार भी सर भारतीय जनता पार्टी की है, संघ ने प्रस्ताव पारित किया इस पर, आप प्रस्ताव देख लीजिए कि अगले 50 वर्षों के बाद कितने युवा हाथ काम करने के लिए चाहिए, वो ध्यान में रखकर, अपने नैसर्गिक संसाधनों की सीमितता ध्यान में रखकर, एक लंबे समय के लिए जनसंख्या नीति एक बननी चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसको समान रूप से सभी पर लागू करना चाहिए। संघ का प्रस्ताव पहले से है, उसको आप पढ़ लीजिए, तो यहाँ रुकेंगे अभी, ठीक है सर? एक मिनट सर, सर 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 मेरा सवाल ये है कि भारत पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है और भारत की जो संपत्ति है कुछ सीमित लोगों के हाथ में पहुंच जा रही है, तो क्या